जैसा कि आप सब लोग जानते हो, पबजी को बैन हुए बहुत महीने हो गए हैं और बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया अभी अभी आया है। अब सबके मन में सिर्फ एक सवाल है कि इस गेम की बेस्ट सेंसिटिविटी क्या होगी, क्योंकि मैंने पुराने वाली सेंसिटिविटी लगाकर गेम चलाया तो वो मज़ा नहीं आया जो पहले आता था। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की बेस्ट सेंसिटिविटी गायरो और विदाउट गायरो, वो भी हर स्कोप के साथ और थ्री फिंगर कंट्रोल्स के साथ। अगर आप नॉन गायरो प्लेयर्स हो तो आप गायरो खेल सकते हो बहुत ईजी सेटिंग से। तो यार, यहाँ पे मैंने M416 ली है हर स्कोप के साथ और सारी अटैचमेंट्स के साथ। शुरू करते हैं रेड डॉट के साथ, क्योंकि ये वो स्कोप है जो सबसे पहले मिलता है, बट इससे लॉन्ग रेंज एनिमीज मारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसकी ज़्यादा कोई जूम पावर नहीं है। तो हमने सेंसिटिविटी ऐसे सेट करी है कि आप लोग दूर से भी एनिमी को मार सकते हैं विदाउट रिकॉइल। अब आते हैं होलोग्राफिक पे। ये और रेड डॉट दोनों भाई भाई से ही है, किसी को रेड डॉट पसंद है, किसी को होलोग्राफिक। इन दोनों की सेंसी में भी ज़्यादा कोई फर्क नहीं है क्योंकि जूम भी सेम ही है दोनों का। अब हम यूज़ कर रहे हैं 2x द मोस्ट लव्ड स्कोप। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, 2x बिल्कुल नहीं हिल रहा है। मिनिमम रिकॉइल, जहाँ तक हम रिकॉइल को रोक सकते हैं वहाँ तक सेंसी एडजस्ट कर रखी है, क्योंकि हमने इन सेंसिटिविटी को इनकी लिमिट तक टेस्ट किया है। अब हमारा प्यारा मीडियम रेंज खिलाड़ी 3x के साथ सेंसिटिविटी में ज्यादा चेंज नहीं है क्योंकि 3x में मूवमेंट का इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता सेंसी के बाद भी। अब हम यूज कर रहे हैं 4x। 4x तो बस नाम का लॉन्ग रेंज स्कोप है, इसकी सेंसी एडजस्ट करने में टाइम लगा था हमें बहुत, बट एक बार एडजस्ट होने के बाद स्कोप ने तो आग ही लगा दी। अब हम यूज कर रहे हैं 6x। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, जीरो रिकॉइल सेंसी का काम, बंदा भाग ही नहीं सकता इससे बच के। और इसको छोटा करके 3x बना के तो मजा ही कुछ और है शूटिंग का। तो गाइज, अब मैं आपको मेरे कंट्रोल्स दिखाने जा रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके इन कंट्रोल्स को कॉपी भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके इनको बिल्कुल कॉपी करके अपने कंट्रोल्स बना सकते हैं। तो अब मैं आपको मेरी सेंसिटिविटी दिखाने जा रहा हूँ। ये मेरी जायरोस्कोप ऑन की सेंसिटिविटी है। ADS और कैमरे की सेंसिटिविटी लगभग बराबर ही है और जायरोस्कोप की मैंने अल्टर कर रखी है। और जायरोस्कोप की जो सेंसिटिविटी है वही है जो हमारी मेन सेंसिटिविटी है, जो कि हमारे गेम के अंदर हम लोगों को मदद करेगी। तो गाइज, ये जो कोड है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस कोड को अगर आप कॉपी करके अपने यहीं पे ही लेआउट मैनेजमेंट के अंदर डालेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम सेंसिटिविटी आपकी आ जाएगी और बिल्कुल सेम टू सेम कंट्रोल्स भी आपके आ जाएंगे। तो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।